हेलो ऑल, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, दैट इज क्लासेस एंड फंक्शंस। जैसे कि हम जानते हैं, फंक्शंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमें पता है किसी भी क्लास में दो टाइप के मेंबर्स होते हैं, एक होते हैं डेटा मेंबर्स और दूसरे होते हैं मेंबर फंक्शंस। एक्चुअली किसी भी क्लास का जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो ऑब्जेक्ट बनता है। द ऑब्जेक्ट इज द बंडल हैविंग बोथ डेटा एंड फंक्शंस। मीन्स हर जो ऑब्जेक्ट होगा उसका अपना डेटा होगा और उस डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस की मदद लेनी होगी। इसी का ब्लूप्रिंट हमारे पास क्लास में होता है, तो हम यहां से डिस्कशन शुरू करेंगे। चूंकि हम आउटसाइड वर्ल्ड से यहाँ पर जो भी डेटा मेंबर्स हैं उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन डेटा सिक्योरिटी के चलते, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में डेटा सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो डेटा सिक्योरिटी के चलते हम इन डेटा मेंबर्स को प्राइवेट सेक्शन में प्राइवेट विजिबिलिटी के साथ डिफाइन करते हैं। और यदि आपने मेंबर्स को प्राइवेट विजिबिलिटी के साथ डिफाइन किया है तो हम उन्हें डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। So this is not possible. The direct access is not possible. Then what will happen? So we need a public interface. Mind it, public interface, जो कि internally data member के साथ tightly bounded होगा, जिसे हम encapsulation कहते हैं। ये bound या ये connection इसलिए important है कि member function data member के ऊपर operation perform कर सके, और इसके लिए हम data members और member function को एक capsule में बंद कर देते हैं, उसे हम class कहते हैं। इस तरीके से जो member function होते हैं वो बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि वो private data member के ऊपर operation perform कर सके। और अब जो ये direct access जो हम allow नहीं करना चाहते हैं for data security, हम क्या करेंगे, हम मेंबर फंक्शंस को यूज करेंगे जो कि पब्लिक है। वी कैन एक्सेस इट एज इट इज पब्लिक। तो हम पहले पब्लिक मेंबर फंक्शन को कॉल करेंगे, इन्वोक करेंगे, और चूंकि ये मेंबर फंक्शन डेटा मेंबर से डायरेक्टली कनेक्टेड है एनकैप्सुलेशन के थ्रू, तो अब अल्टीमेटली हम डेटा मेंबर के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे थ्रू मेंबर फंक्शंस। इसीलिए मेंबर फंक्शंस और फंक्शंस का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस पूरे टॉपिक में फंक्शंस को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जैसे कि फर्स्ट कैटेगरी हो सकती है फंक्शन एक्सेप्टिंग नथिंग रिटर्निंग नथिंग, मतलब फंक्शन ना ही कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा और ना ही कोई वैल्यू लौटाएगा। सेकेंड कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे फंक्शन एक्सेप्टिंग नथिंग रिटर्निंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ वैल्यू। इस कैटेगरी में फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो एक वैल्यू लौटा सकता है जो प्रिमिटिव टाइप जैसे कि इंट, फ्लोट और कैर की हो सकती है। नेक्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे फंक्शन एक्सेप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्निंग नथिंग। इस फंक्शन कैटेगरी में हम ऐसे फंक्शन डिस्कस करेंगे जो कुछ प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू एक्सेप्ट जरूर करेंगे लेकिन वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे, कोई वैल्यू नहीं लौटाएंगे। इसके बाद हम एक और कैटेगरी डिस्कस करेंगे जिसे हम कहेंगे फंक्शन एक्सेप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्निंग अ प्रिमिटिव वैल्यू। इस टाइप के कैटेगरी के फंक्शंस कुछ प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे एज आर्ग्यूमेंट और बदले में वो कुछ वैल्यू भी लौटाएंगे। इसके बाद जो हम कैटेगरी डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी होगी। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि हम पता है कि जब हम क्लास डिफाइन करते हैं, इसका मतलब हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लिया। तो जब हम क्लास बना चुके होते हैं हमारे पास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, और जब हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना चुके हैं तो हम उसके वेरिएबल बना सकते हैं, और जो वेरिएबल होंगे उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अल्टीमेटली देखा जाए तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो वेरिएबल ही हैं जिनका टाइप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है और जो एक्चुअली क्लास की मदद से बनाए जाते हैं। तो अल्टीमेटली यदि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब कि क्लास यदि एक डेटा टाइप है तो इसके वेरिएबल एज अ आर्ग्यूमेंट हम फंक्शन में पास कर पाए, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट एक
वेरिएबल है, तो जब हम वेरिएबल को फंक्शन से रिटर्न करा सकते हैं, करवा सकते हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट को हम क्यों ना रिटर्न करवा पाए, बिल्कुल करवा सकेंगे। और इसी से मिलकर एक कैटेगरी बनी है जो कि लास्ट और इम्पोर्टेंट कैटेगरी होगी, दैट इज फंक्शंस एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट। मींस हम फंक्शंस में जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे उन आर्ग्यूमेंट्स में हम ऑब्जेक्ट को आर्ग्यूमेंट्स की तरह पास कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हम फंक्शंस में ऑब्जेक्ट्स को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर पाएंगे। एक बात और, यदि हम फंक्शन में ऑब्जेक्ट्स को एज अ आर्ग्यूमेंट भिजवा सकते हैं तो फिर हम ऑब्जेक्ट को फंक्शन के थ्रू रिटर्न भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस कैटेगरी में तीन अलग अलग टाइप के फंक्शन डिस्कस करेंगे। कैटेगरी होगी फंक्शन एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट, और उस कैटेगरी में सब कैटेगरी में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट रिटर्निंग नथिंग। सेकंड कैटेगरी होगी फंक्शन एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट रिटर्निंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ वैल्यू, और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी दैट इज फंक्शन एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्ट्स एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट। मीन्स फंक्शन में हम ऑब्जेक्ट्स को एज अ आर्ग्यूमेंट पास भी करेंगे और फंक्शन से ऑब्जेक्ट्स को रिटर्न भी करवाएंगे। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम इन सारी कैटेगरीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू।